अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीसीएन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज के अहम तफसीलात पर। जलपली म्यूनिसिपालिटी वार्ड नंबर 16 की काउंसलर बर्मला यादगिरी ने टीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इनके साथ साथ दूसरे टीआरएस लीडर्स ने भी रिजाइन कर दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़द करते हुए इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। अंदर कर दो। मैं जलपली, मेरा नाम बुड़मला यादगिरी है। मैं जलपली 16 वार्ड का काउंसलर हूँ। मैं 2020 में इंडिपेंडेंस जीता। मैं गांव के डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक के लिए मैं टीआरएस में गया था। टीआरएस पार्टी का अभ्यर्थी हम लिए थे, मगर आज मैं जीत के 1.5 साल हो गया, अभी तक मेरे वार्ड में एक डेवलपमेंट भी नहीं है। हमारे को लोकल मिनिस्टर कुछ मदद नहीं दे रहा है और अधिकार लोग गवर्नर कुछ भी मदद नहीं दे रहा। मेरे ऊपर जो हार गया उसको जवाब दे रहे, मारे मेरे को नहीं जवाब दे रहा। मेरे ऊपर पूरा, मेरे बच्चों के ऊपर भी कैसा लगा रहा। उस वजह से मैं टीआरएस पार्टी को राजीनामा कर रहा हूँ। टीआरएस पार्टी को और सभ्यत्वानिकी दोनों को राजीनामा कर रहा हूँ। मैं टीआरएस पार्टी की, टीआरएस सभ्यत्वानिकी सभ्यत्व को रिजाइन दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जलपली 16 नंबर वार्ड से मोहम्मद सादिक। अभी हमारी तरफ से काउंसलर साहब जो आज पार्टी को रिजाइन दिए हैं, टीआरएस पार्टी को, आज हमको भी बड़ा अफसोस हो रहा टीआरएस पार्टी छोड़ते हुए, क्योंकि टीआरएस पार्टी इतने वादे कर रही, हम गरीबों को ये करेंगे वो करेंगे, हर चीज़ बोल रही है, मगर सिर्फ ज़बान की हद तक ही रह रहा, कोई काम नहीं कर रही, डेवलपमेंट नहीं है। और आज हम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिता के जो है ना टीआरएस पार्टी में लेके आए। मैं 2013 से टीआरएस पार्टी में हूँ, मैं बहुत सीनियर हूँ जलपली में। और यहाँ पर हमारे पास जहांगीर भाई बोल के डिप्टी सरपंच, उन्होंने भी बहुत सीनियर है। सुधाकर गौड़ है, श्रीनिवास गौड़ है, ये सब ऐसे सीनियर हैं। आज टीआरएस पार्टी जलपली में है तो उसके जिम्मेदार हम हैं, वरना टीआरएस पार्टी यहाँ पे नहीं थी। जब से हम टीआरएस पार्टी को लेके आ रहे हैं, आज भी हम टीआरएस पार्टी में है, लेकिन बड़े दुख और अफसोस के साथ आज हम टीआरएस पार्टी को छोड़ रहे हैं। बहुत दुख हो रहा हमारे को, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिता के हम आज जो है ना मैडम के सामने ले जाके टीआरएस पार्टी से हम जो है ना इसको वो कराए, टीआरएस पार्टी में मिलाए, चलो कुछ डेवलप होता हमारी बस्ती को बोल के। लेकिन 20 साल हो गया जलपली कमान की रोड जो आप देख सकते हैं, हर मरतबा उधर से सब, हर एक लीडर, बड़ा बड़ा लीडर जा रहा रहा देख रहा, उनकी आंखें नज़र नहीं आ रही, वही गढ़ों में से जा रहे हैं। वो गढ़ों को क्या करेंगे, वो रोड बनाएंगे, किसी को फिक्र नहीं है। अगर इधर से, अगर मैलार देवपल्ली से आ जाएंगे तो बस्ती में आने को ना उधर से रोड की सहूलत है। ये रोड की वजह से जो चार मीनार से बस आती थी 85J बोल के, वो बस ही से बंद हो गई। लेकिन ये लोग खाली वादे कर रहे हैं, लेकिन इसको काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं। आज मैं भी बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ, इंसाफ नहीं हो रहा, वार्ड में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। कुछ डेवलपमेंट करने भी जा रहा काउंसिलर तो जो है ना उसको, जो हारे हुए लोग हैं वो लोगों के दबाव की वजह से जो है ना कोई डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा, नहीं करने दे रहे हैं, इसको बदनाम कर रहे हैं। इन्हें हीरो बनने की कोशिश कर रहा मगर इसको जीरो कर दे रहे हैं, क्योंकि इनका नाम ख़राब करे तो आगे फिर जो है ना उनको चांस मिलता, बल्कि वो कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं। तो लिहाजा मैं हुकूमत से दरख्वास्त कर रहा हूँ, बड़े अफसोस के साथ मैं आज टीआरएस पार्टी को जो है ना छोड़ रहा हूँ, मुझे इसका बहुत बड़ा दुख है। मेहरबानी करके अब तो भी जो है ना जलपली के ये 16 नंबर वार्ड को डेवलप कीजिए। कितने लोग छोड़ रहे हैं आप लोग? आज कम से कम हम 200 लोग जो है ना टीआरएस पार्टी को छोड़ रहे हैं।